वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग। खूबसूरत सुबह, मैं हूं आपकी दोस्त होस्ट सभी और हसीन मौसम के साथ देती हूं दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज करती हूँ। और आज बहुत ही हसीन मौसम है। यस, कराची का मौसम बदल गया और बहुत 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 दुआओं के बाद और फिर आखिरकार रब की अब्र रहमत बरस गई। और फिर हम हमेशा, हमारे वालदैन, हमने उनके मुंह से सुना है और ऑफ कोर्स हम बच्चे होते हैं, हमें इतना नहीं मालूम होता, लेकिन फिर हमारे लबों से, हमारे मुंह से एक ही दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक ये बारिश सबके लिए, जो आपकी एक देन है, एक रहमत है, ये हम सब पर हर रहमत बन के बरसे। जी, ऑफ कोर्स हम उन लोगों का भी ख्याल रखते हैं जिनके ज़रा सा कच्चे मकान होते हैं या कुछ लोगों के घर इतने पक्के नहीं होते, तो इनका ख्याल तो ज़रूर आता है ऑफ कोर्स, या जिन लोगों के घर भी नहीं होते और ऑफ कोर्स वो बस एक छोटी सी एक सिस्टम बना लेते। मेरे मुंह से निकलते हुए भी मुझे दुख होता है कि मैं किसी को कहूँगी वो झोंपड़ी में या इसमें, ऐसा नहीं है। बस उनके थोड़े कच्चे से मकान होते हैं, डर होता है, तेज़ बारिश में उनकी दीवारें टूट जाती हैं, छतें गिर जाती हैं, तो दुख होता है। लेट्स सी। और मैं आज सुबह जब ऑफ कोर्स रोड से गुजर रही थी, मैं हमेशा एक जनरली बात करती हूँ, जो देखती हूँ वो कह देती हूँ आप लोगों से। तो ऑफ कोर्स हम अगर पीछे चलें तो आगे वालों हमें आगे नज़र आ रहा है, तो बाइक लोग जा रहे थे बाइक पर, तो कुछ जो है ना बाइक के पीछे एक पता नहीं वो शहजाद भाई क्या कहते हैं, वो जिससे बारिश का पानी रुकता है, अच्छा वो एक कुछ वर्ड होता है, मतलब 20-30 रुपए का शायद आता होगा, वो प्लास्टिक का है। अच्छा वो क्या होता है, जब अगर वो आप उसको कवर नहीं करें तो पानी की छींटें जो हैं वो किसी और के कपड़ों पे जो गुजर रहे हैं, कोई बहन बैठी हुई है, कोई स्कूल गोइंग लड़कियाँ बच्चियाँ जा रही हैं, तो वो सारी छींटें जो है उसके ऊपर चली जाती हैं। लेकिन अगर वो ज़रा सा कवर लगा दें, मेरे ख्याल में उसकी कॉस्ट प्लास्टिक का इतना सा है, वो उसकी कॉस्ट 30-40-50 रुपए होगी, तो क्या वो लोग नहीं लगाते, तो दूसरों के कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो ज़रा एहतियात करें, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें, मुश्किलें ना करें कि जो है ना अल्लाह पाक देख रहा हो कि आप कुछ कर सकते हैं अच्छा, तो वो कर लिया करें। ये नीयत करके कीजिएगा तो यकीन करें मेरा अल्लाह बहुत खुश होगा। लेट्स सी, बारिश बहुत हसीन है, एक दूसरे का ख्याल रखें। छोटी छोटी ये कराची में जो है ना, एज कम्पेयर टू KPK, इस्लामाबाद, एबटाबाद, जो मानसेरा और बहुत सारी उन जगह, यहाँ तो मौसम हमेशा हसीन ही रहता है, क्योंकि वहाँ पर हरी हरी खूबसूरत हरियाली, पानी और सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन कराची में जब कभी कभी मौसम खूबसूरत होता है तो अपनों के साथ खूबसूरत टाइम को स्पेंड करने की कोशिश करें, थोड़ा सा सही लेकिन यादगार रखें, ताकि जब ऑफकोर्स कराची में एक साल के बाद बारिश होती है तो जब ये याद आए तो हम कहें यार कितना मज़ा आता था, हम लोग ऐसे नाश्ता करते थे, ऐसा हम लोग पकोड़े बनाते थे। लेट्स सी, मैं तो इन छोटे छोटे लम्हों को बड़ी खूबसूरती से इंजॉय करती हूँ, बहुत मज़ा आता है मुझे, मेरे अपने होते हैं, अच्छा लगता है। लेट्स सी। और वो फिर हमारे एक छोटा सा फैमिली ग्रुप है, फिर हम उनमें शेयर करते हैं, देखो जी कितना हसीन मौसम है, आप लोग भी आ जाएं। आना तो उन्होंने होता नहीं, आइए मैं आपको ये खिलाऊंगी। फिर हमें एक खूबसूरत वॉइसेस आती हैं, वो अकेले अकेले, और फिर एक बड़ा मशहूर जो है एक हमारे ड्रामा आर्टिस्ट हैं जी, हाँ भोला, फिर वो कहते हैं आए आए मज़े आए, तो फिर बड़ा मज़ा आता है। तो खूबसूरत लम्हात को एंजॉय कीजिए। लेट्स सी, यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद हसीन मौसम विद गुड मॉर्निंग सभी के साथ।